तो फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले हमने येलो नट्स का सोप मेनिया मेगा टब अनबॉक्स और रिव्यू किया था और उसके बाद मेजरली हमें ये रिस्पॉन्सेज मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अगर आपने वो येलो नट्स का सोप मेनिया मेगा टब वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो चेक इट आउट। आज हम आपके लेकर आए हैं आप की ही डिमांड पर येलो नट्स का स्लाइम जंबो टब। एक स्लाइम मेकिंग किट ये होने वाला है उनके अपने ही यूनिक स्टाइल में। आज हम इसको अनबॉक्स करेंगे, इसके कंटेंट्स को देखेंगे, इसकी क्वालिटी चेक करेंगे, इसे रिव्यू करेंगे। तो लेट्स डू द वीडियो। तो इंस्टेड ऑफ दोज कार्ड बॉक्सेस, येलो नट्स यहाँ पे हमको प्रोवाइड कराते हैं एक रीयूजेबल प्लास्टिक टब जो एकदम ट्रैवल फ्रेंडली है। आप इसके अंदर अपना सामान रख के इसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसको नाम दिया हुआ है जंबो टब क्योंकि इसके अंदर आप काफ़ी सारी टाइप की स्लाइम्स बना सकते हैं। 6+ एज ग्रुप के लिए ये है, 3 के अंडर के किड्स इसे यूज़ ना करें क्योंकि इट कंटेन शार्प एजेस। इसके अंदर एज द बॉक्स क्लेम अब ग्लिटर स्लाइम, मॉन्स्टर स्लाइम, क्लियर स्लाइम, सेंटेड स्लाइम, कलर स्लाइम, इतने सारे टाइप के स्लाइम बना सकते हैं। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और इसका वेट देख के मुझे लग रहा है कि इसके अंदर स्लाइम मेकिंग रिलेटेड सारा सामान मिलने वाला है, छोटी से छोटी चीज़। और टब के ऊपर ही आपको कंटेंट इसके ऊपर सारे मेंशन है जो भी इसके अंदर मिलने वाले हैं। प्लस आप अपनी स्लाइम को डेकोरेट कर सकते हैं। पर्टिकुलर ये किट मुझे 999 रुपीज़ का मिला है। हम परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ जाके येलो नट्स को और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि ये कई सारे टाइप के अमेजिंग DIY किट्स बनाते हैं और वहाँ जाके आप इनको परचेज भी कर सकते हैं। तो लेट्स डू अनबॉक्सिंग। एज आई ओपन द बॉक्स, सबसे पहले मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे 2 droppers 3 ml क्वांटिटी के। और फिर हमारे पास में है कुछ थर्माकोल की बॉल स्लाइम डेकोरेशन के लिए, ब्लू, वाइट, ऑरेंज, रेड एंड येलो। इनसे हम अपनी मॉन्स्टर स्लाइम बनाएंगे आई गेस। और फिर है ये 2 clear glue की बॉटल्स। स्लाइम एक्टिवेटर ऑलरेडी है, स्लाइम एक्टिवेटर हमको यहाँ पे दिया हुआ है सिंपल प्रोसेस करने के लिए स्लाइम मेकिंग का। फिर हमारे पास में है ये बोरेक्स पाउडर फॉर फ्यूचर यूज़, आप इससे अपना स्लाइम एक्टिवेटर बना सकते हैं आगे भी स्लाइम बनाने के लिए। फिर है एक बीकर विद 50 ml क्वांटिटी, एक प्लास्टिक का बीकर है सिंपल। फिर है ये प्लास्टिक कंटेनर विद लिड आपकी स्लाइम को मिक्स करने के लिए प्लस उसको स्टोर करने के लिए ताकि आप फ्यूचर में अच्छे से खेल सकें। एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल जिसके अंदर आपको प्रोसेस गिवन है स्लाइम एक्टिवेटर के लिए प्लस आपकी स्लाइम बनाने के लिए। मॉन्स्टर स्लाइम, क्लियर स्लाइम, ग्लिटर स्लाइम, हर टाइप की स्लाइम की रेसिपी इसके अंदर दी हुई है। और प्लस आपको टब के बाहर भी सारे कंटेंट्स मेंशन हैं कि किसका नाम क्या है और क्या क्या आपको टब में मिलेगा। कुछ वुडन स्पैचुलाज एंड स्पून फॉर मिक्सिंग प्रोसेस। और यहाँ पे सम अमेजिंग कलर्स, 4 colors हैं, 4 types की अमेजिंग फ्रेग्रेंसेस, लेवेंडर, जैस्मिन, रोज एंड लेमन ग्रास। डेकोरेशन के लिए कुछ स्पार्कली बीड्स, ग्रीन, गोल्डन एंड पर्पलिश ब्लू कलर के 3 bottles हैं, आई थिंक इनफ होंगे। डेकोरेशन के लिए ही कुछ ग्लिटर, ग्लिटर स्लाइम के लिए रेड एंड गोल्डन मुझे यहाँ पे मिले हैं। और कुछ स्टार्स एंड कुछ गुगली आईज मॉन्स्टर स्लाइम के लिए। और एज ऑलवेज पैकिंग के लिए स्टिकर्स हैं यहाँ पे, बड़े कूल स्टिकर्स हैं प्लास्टिक शीट वाले। एंड दिस इज़ इट। ओ ग्लव्स, यस ग्लव्स, कि आपके हाथ मैसी ना हो। और हमारा टब यहाँ पे एम्प्टी हो गया है। तो ये कुछ था इस टब के अंदर। अब समझ आ रहा है कि इसको जंबो टब नाम क्यों दिया हुआ है। तो लेट्स गेट इन टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्लाइम।
तो यहाँ पे मैंने प्लान किया है 2 types की स्लाइम बनाने का, दोनों ही कलरफुल और सेंटेड होने वाली हैं, पर एक के अंदर हम स्लाइम एक्टिवेटर और एक के अंदर हम यूज़ करेंगे अपना खुद का बनाया हुआ स्लाइम एक्टिवेटर फ्रॉम बोरेक्स पाउडर जो कि गिवन है। एक हम बना रहे हैं मॉन्स्टर स्लाइम विथ ऑल दोज लिटल थर्मोकोल बॉल्स एंड गुगली आईज, प्लस 1 हम बनाएंगे ग्लिटरी स्लाइम जिसके अंदर हम ग्लिटर यूज़ करने वाले हैं, स्पार्कलिंग बीड्स यूज़ करने वाले हैं, स्टार यूज़ करने वाले हैं। तो आइए प्रोसेस देखते हैं और बनाते हैं 2 types की स्लाइम। फॉर हमारी ग्लिटरी स्लाइम मैंने 2 glue, क्लियर ग्लू हमारे मिक्सिंग बॉल के अंदर डाल लिए हैं। इसको मैं रेड कलर का बनाने वाली हूँ और साथ में स्मेल इसके अंदर आएगी जैस्मिन की, तो मैंने इसके अंदर जैस्मिन फ्रेग्रेंस डाल दी है प्लस रेड कलर मैंने ऐड कर दिया है अच्छे से क्वांटिटी में। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद हम यूज़ करेंगे हमारा रेडी टू यूज़ स्लाइम एक्टिवेटर। एक बार में आपको ओनली 1.5 ml स्लाइम एक्टिवेटर ही डालना है और उसको काफ़ी ब्रिस्कली आपको विस्क करना है। जितना अच्छा आप मिक्स करेंगे, जितनी जल्दी आप मिक्स करेंगे उतनी अच्छे से आपकी स्लाइम बनेगी। और हाँ, एक बार में आप अगर 1.5 ml से ज़्यादा एक्टिवेटर डालेंगे तो आपकी स्लाइम थोड़ी हार्ड हो सकती है, तो ट्राई कि आप स्मॉल क्वान्टिटी में डाल के उसको मिक्स करते रहें और ऑब्वियसली जितना आप स्लाइम के साथ में प्ले करेंगे उतनी वो परफेक्ट बनेगी, उतनी वो अच्छी स्ट्रेची बनेगी। तो आइए इस प्रोसेस को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। फॉर आर सेकेंड मॉन्स्टर स्लाइम हम यूज़ करेंगे हमारा खुद का बनाया हुआ स्लाइम एक्टिवेटर। बोरेक्स पाउडर हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें बस 50 ml ऑफ ल्यूक वार्म वाटर लेना है, गुनगुना पानी लेना है और उसके अंदर पिंच भर बोरेक्स पाउडर ऐड करना है और उसको मिक्स करना है अंटिल वो पूरा डिजॉल्व हो जाए और आपका स्लाइम एक्टिवेटर रेडी है। तो ये मॉन्स्टर स्लाइम हम बनाएंगे हमारे बोरेक्स पाउडर से बने स्लाइम एक्टिवेटर से। लेट्स डू दिस।
तो मैं यहाँ पे बहुत सारी मॉन्स्टर स्लाइम बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा ग्लू भी डाल दिया है। मिक्स करने के लिए मैं येलो नट्स का टब ही यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। मैंने एक्स्ट्रा फेवी गम इसमें डाला है और इसका कलर होने वाला है ग्रीन कलर का। प्लस इसमें हम ऐड करेंगे कुछ अमेजिंग फ्रेग्रेंस ऑफ लेमन ग्रास, तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर ऐड कर दिया है प्लस लेमन ग्रास की फ्रेग्रेंस भी ऐड कर दी है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ग्लू में फ्रेग्रेंस ऑफ कलर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम हमारा स्लाइम एक्टिवेटर जो हमने बोरेक्स पाउडर से बनाया था वो स्लोली स्लोली ऐड करेंगे। प्रोसेस सिंपल रहेगा, एक बार में 1.5 ml, और अच्छे से मिक्स करना है। जितना अच्छे से आप मिक्स करेंगे स्लाइम उतनी अच्छी और स्ट्रेची बनेगी। एज यू गाइस सी, हमारी सुपर स्ट्रेची स्लाइम अमेजिंग नियॉन ग्रीन ये लग रही है, बनके रेडी हो गई है। इसको थोड़ा मॉन्स्टरी लुक देने के लिए मैं इसके अंदर थर्माकोल बॉल्स और गुगली आईज ऐड करने वाली हूँ, और फिर देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो हमारी मॉन्स्टर स्लाइम ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, बहुत ही मॉन्स्टरी और यकी लग रही है। बहुत मज़े आए मुझे इससे, इसको बनाने में और इसके साथ खेलने में। अमेजिंग बात इस टब की ये है कि बाकी किट्स के कंपैरिजन में इसके अंदर हमें मैक्सिमम सप्लाइंग मिलती हैं। आपको एक्स्ट्रा बोरेक्स पाउडर भी मिल रहा है, प्लस डिफरेंट फ्रेग्रेंस है, अलग अलग टाइप के कलर्स हैं, एवरीथिंग रिलेटेड टू स्लाइम इन जस्ट वन टब। तो आई जस्ट टोटली लाइक दिस किट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आपको येलो नट्स के और कौन कौन से प्रोडक्ट देखने हैं। तो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इसको हम थोड़ा सा स्टिकर्स के साथ में पैक कर देते हैं और देखते हैं कि हाउ यू कैन प्ले विद दिस स्लाइम। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जब तक टेक केयर, बी क्यूरियस एंड बी केयरफुल। Yeah.